गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी तीज। आज है सातुड़ी तीज, जो कि राजस्थान में स्पेशली जोधपुर में बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। लाइक ये एक बहुत बड़ा ऐसे फेस्टिवल टाइप्स जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं उसके लिए हुई हूँ रेडी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी तो सूट ही पहना है। लाइक अभी हम नॉर्मली मंदिर जाने वाले हैं और उसके बाद कल अपना निकालते हैं, तो उसके लिए मैं अभी रेडी हुई हूँ। बाकी जो मेन पूजा होती है वो शाम में होती है, तो उसके लिए मेरा आउटफिट अलग है, उसके लिए मैं अलग से रेडी होंगी। बट हाँ, अभी मैंने ये सूट पहना है और मेहंदी मैंने कल ही लगवा ली थी यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा कलर आ गया इसका। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम क्या क्या करते हैं, और आप भी मुझे बताइएगा अगर आप भी ये वाली पूजा करते हैं तो। और ये अभी मैंने कर ली है कलपने की तैयारी, जिसमें कि हम ये सातू को कलपने वाले हैं। और अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कलपना, जिसमें कि मैंने सत्तू का लड्डू रखा है और पैसे रखे थे। लाइक पहले मैं पैसे रखना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया मेरे हाथ में ही थे, तो मैंने वो रखे। उस पर थोड़ा सा कंकू चावल लगाया और फिर उस पर लाइक ऐसे पूजा करके मम्मी को मैंने ये कलपना दिया वहाँ पर। तो इसमें हम कुछ बोलते भी है लाइक जब ये ऐसे कलपना निकालते, तो मुझे आप बताइएगा आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं जब ऐसे कलपना निकालते हैं, और कुछ बोलते भी है या नहीं। और फिर हम लोग फटाफट से मंदिर चले गए थे, बिकॉज़ यहाँ पर 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो हम लोग फटाफट से कलपना निकाला और उसके बाद गए मंदिर भगवान जी के दर्शन करने वहाँ पर। तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर झूला खाने, क्योंकि ये भी एक रिचुअल होता है लाइक तीज के झूले झूलने। तो अभी फ़िलहाल पहले मम्मी झूला झूल रही है, और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें कि आपको आपके हस्बैंड के लिए कुछ ऐसे तारीफ या ऐसे कुछ शायरी बोलनी पड़ती है 7 झूले खाने के बाद। तो बस वही है, अभी मैं भी ये वाला झूला झूलूंगी। वाह 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 वाह, ईस्ट और वेस्ट, शी इज द बेस्ट। एक और क्या? एक और मुझे याद कौन सा वाला? हाँ, डिब्बी में जीरा, यस जी, मेरे दिल का हीरा। फिर वहाँ पर झूले खा के लाइक मैंने और मम्मी ने झूले खा लिए थे, उसके बाद हम लोगों ने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए और उसके बाद हम आ गए थे घर। तो सुबह तो इतना ही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ और नहीं होता। और अभी मैंने कर लिया फटाफट से चेंज, क्योंकि अभी शाम में फिर से रेडी होना है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि वैसे इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपको खाना है नहीं खाना है। बट हम लोग ने ठीक है हमेशा स्टार्टिंग से फ्रूट्स के साथ किया है ये फास्ट, तो अभी बस थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह। एंड यश ने भी मेरे साथ फास्ट किया है, तो यश भी अभी ये खा रहा, और फिर रात को चांद देखकर ही हम लोग खाना खाएंगे। और अभी मैं कर रही हूँ थाली की तैयारी, पूजा की थाली। तो उसमें मैंने रख लिया है कंगू चावल, काजल, मेहंदी रखनी बाकी है, और बाकी है काजरा, केला, नींबू, मोती की माला और पानी का लोटा। सर, ये मोती की माला क्यों रखते हैं इसमें? तो ये जो सारी चीज़ें मैंने रखी है, इसको मैं और पूजा जब करूँगी तो दिखाऊंगी। तो जो दूध का वो हम पर ऐसे बनाते हैं कुंड टाइप से, आप तो उसमें वो ऐसे दिए कि उसमें ऐसे छाया करके देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों से ऐसे देखा जाता है, तो इसके लिए मैंने ये रखा है अभी पूजा में। और भी मैं रख रही हूँ चीज़ें जो मुझे याद आती जा रही है। और अभी पूजा की थाली रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ रेडी होने, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो ये वाला रेड और येलो कलर का लहंगा है, तो ये लहंगा मम्मी का है, लाइक मम्मी ने हमारी शादी में पहना था, तो मैंने सोचा ये वाला पहनते क्योंकि इसका कलर भी बिल्कुल आज की तीज के उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ रेड येलो ऑरेंज का ऐसे मिक्स है।
सो आई एम वेयरिंग दिस. तो अभी मैं रेडी होते जाती हूँ और आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में. तो चूड़ी वगैरह का सेट एक बना लिया है, मेरा मेकअप रेडी है, ज्वेलरी है, बस थोड़ी ही देर में आप मेरा फाइनल लुक देख लेंगे. तो अभी मैंने कर लिया बेस रेडी एंड आई का थोड़ा मेकअप आगे की प्रोसेस में कर रही हूँ. और अभी आ गया मेरी हेल्प करने क्योंकि इसमें पीछे डोरी है जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं लगने वाली है. यश कैसे दिख रही हूँ मैं अभी? तो मतलब मैं हाफ ही रेडी हुई हूँ, बट कैसे दिख रही हूँ? तुम हमेशा ही सुंदर दिखती हो, बट अभी हाँ तुम काफी सुंदर दिख रही हो. मेकअप अच्छा हुआ तुम्हारा. थैंक यू. यार थोड़ा जल्दी कर दो, बाहर लाइट होगी तो थोड़े फोटो वीडियोस आ जाएंगे, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं होगा. यार हमारी डेली की आदत थोड़ी है, कर रहे हैं थोड़ी सी शांति. ओह माय गॉड, मैं हो गई रेडी और ये है मेरा फुल लुक. तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं कैसी दिख रही हूँ. और ये मम्मी भी हो गई है रेडी. तो मम्मी ने पहना है पिंक कलर का जोधपुरी पोशाक जो कि राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस है. तो गाइस मैं ऑन टाइम रेडी हो गई, लाइक थोड़ा सा अच्छा था लाइक उजाला, तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस आ गए अच्छे जो कि मैं शेयर करूँगी. ओ माय गॉड ये क्या हुआ यार, ये तो वो वाला रियल में सिचुएशन हो गया कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में. बट अभी मैंने उसको पहन लिया है तो होपफुली वो अब नहीं गिरना चाहिए. तो ये कर लिया पूजा की थाली रेडी और अभी बस हम लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए. सभी क्या क्या रखा है थाली में एक बार बताओ ना. तो मैंने रखा है कंकू, चावल, मेहंदी, काजल, ये लाल कपड़ा है, और ये है केला, नींबू, सत्तू के लड्डू और काचरा. तो ये सब जो भी पूजा में लगता है वो सब मैंने रख लिया है पूजा प्लेट में. तो यस चलते हैं मंदिर फिर. और ये यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं नीम की. तो ऐसे ये जैसे मैंने आपको बताया था कुंड बनाते हैं और उसमें ऐसे नीम की एक छाल लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम पूजा करते हैं. और फिर ये आप जैसे ये पिलर पे देख सकते हो, हम लोग ने कंकू से, काजल, मेहंदी से ऐसे 7 और 8 बिंदी लगाए हैं. तो माता जी है उनको भी सब चढ़ा रहे हैं चुन्नी वगैरह. और उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया था ना कि हम वो केला, नींबू और वो जो ले जाते हैं तो वो कैसे देखते हैं, तो ये जो अगर आप देख सकते हो कुंड में, इसमें हमने कच्चा दूध और पानी डाला है. तो इसमें ये ऐसे दिया जला के, और फिर ये पहले हम देख रहे हैं नींबू, तो उसकी छाया हम लोग देख रहे हैं कि वो उसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. ऐसे कर करके हम लोग नींबू, केला, काचरा, सत्तू के लड्डू, जो मोती की माला मैं लेकर गई थी वो, दिए की छाया और जो चुन्नी हमने चढ़ाई है वो भी देखते हैं. तो यही सब हम लोग इधर करते हैं. तो पूजा बहुत ज़्यादा देर की तो नहीं होती है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं. और फिर पूजा करने के बाद हम लोग पढ़ते हैं कथा. तो यहाँ पर आंटी कथा पढ़ रहे हैं और हम सब उसको सुन रहे हैं. तो बस इस पूजा में बस यही सब करते हैं हम लोग. सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी पूजा करके और अभी बस वेट कर रहे हैं कि चांद कब निकलेगा और फिर हम चांद की पूजा करके खाना खाएंगे. तो यस लेट्स सी आज चांद कितनी जल्दी आता है. वैसे तो आज के टाइमिंग के हिसाब से चांद जल्दी आ जाना चाहिए 9:30-9:30 बजे, बट लेट्स सी. और फाइनली 9:15 बजे चांद आ गया था, तो हम लोग बाहर आ गए थे चांद को देखने और पूजा करने. और ये से भी चांद की तलाश में ढूंढते हुए, चांद किधर है, चांद किधर है. और ये आ गया है चांद और अब हम करने वाले चांद की पूजा फटाफट से. इतना नहीं है सुबह इधर आगे कर आरती कर ले पहले, फिर अदरक बाद में देंगे.
सो गाइस मैंने कर लिया फटाफट से चेंज, क्योंकि अब हम खाने वाले हैं खाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के तीज स्पेशल के लिए क्या बनाया है। हमने बनाई है बाटी, दाल, चूरमा, चटनी, अचार, मिर्ची का कूटा, सातू। तो यस, अब हम खोलेंगे हमारा व्रत। तो ये अभी पास रहे सातू का लड्डू, जो सात बार पासते हैं। तो सबसे पहले खाता है हस्बैंड, और फिर हस्बैंड वही वो सिक्के से पास के वाइफ। और अब यश के पास, तो यश अब सातू पास रहे, और पहले खुद खाएगा सेवन राइस। गाइज हो गया है फास्ट, हम लोगों ने डिनर भी कर लिया, और खाना काफ़ी अच्छा बना था, और इतनी भूख लग रही थी ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो या दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड मेरी वीडियोज़ को बहुत सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।